जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं रीजनिंग, और रीजनिंग के अंतर्गत हम करने वाले हैं वाटर इमेज पार्ट टू। इससे पहले हमने वाटर इमेज का फर्स्ट क्लास कंप्लीट किया था। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिएगा, क्योंकि वो बेसिक वीडियो था। आज हम उससे एडवांस क्वेश्चन करेंगे कि कैसे वाटर इमेज का क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद यदि पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकॉन दबा दीजिए। चलिए आज के हम सीधे क्लास पर चलते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वाटर इमेज। जो ऊपर जो इमेज दिख रहा होगा आपको, है ना, एग्जाम में हॉल में आप कैसे करना है ये देखिएगा। ये ऊपर जो एग्जाम ये जो सॉरी ये जो दिख रहा है वो क्या होना चाहिए, आपको वाटर इमेज में कैसे दिखेगा ये आपको बताना है, ठीक है। ये जो ऊपर जो एक्स नाम का दिख रहा है इमेज, वो जब हम उसको वाटर इमेज में देखेंगे तो वो कैसे दिखेगा, बस यही पूछा गया है, ठीक है। तो वाटर इमेज का देखिए दायां बायां कभी चेंज होता नहीं है, है ना, और ये बिंदी जो है ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाएगा। तो यदि ये बिंदी नीचे है तो हमारे इमेज में वो ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें नीचे इसको काट देते हैं, ठीक है। चलिए एक हमने इसको क्या कर लिया, एलिमिनेट कर लिया। अब देखते हैं ये जो तीर का निशान है, यदि ये राइट साइड में है तो वो वाटर इमेज में भी राइट साइड में दिखना चाहिए, और जो तीर का जो नोकीला है वो ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ये तीर का जो नोकीला है वो ऊपर की तरह होना चाहिए, ऊपर की तरह होना है प्लस राइट साइड में ही होना है। अब ये देखिए ये नोकीला तो ऊपर है, ठीक है। अब इस बिंदी को फिर एक बार और देखिए, मिलान कीजिए, ये नहीं आएगा, है ना, ये नीचे साइड हो गया, ये गलत हो गया, इसको ऊपर होना चाहिए था, ये ऊपर है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी और डी में हो जाएगा। लेकिन देख लीजिए यहाँ पे जो डॉट है वो समानांतर है जबकि ये वर्टिकल हो गया है, तो ये भी गलत हो गया, हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है सेम उसी प्रकार का है, इसमें आपको बताना है कि वो वाटर इमेज कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। तो वही ऊपर नीचे वाला देखिएगा और लेफ्ट राइट वाला देखिएगा, ठीक है, ऊपर नीचे वाला। और देख ये जो डब्बा है जीरो वाला, है ना, वो कहाँ होना चाहिए, हमारा नीचे होना चाहिए, तो सब में नीचे है, ठीक है, हमने इसे एलिमिनेट नहीं कर पाया। और जो तीर का निशान जो लगा है ना, ये हमेशा लेफ्ट साइड में होना चाहिए, तो सब लेफ्ट, इसमें राइट साइड है, तो ये हमने काट दिया, ठीक है। एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, बाकी और देखते जाइएगा। ये जो नीचे जो है ये ऊपर आपको ऊपर दिखना चाहिए और सेम दिखना चाहिए। ये देखिए ये जो व्हाइट और रेड ब्लैक है ये आपका साइड चेंज नहीं होना चाहिए, जबकि इसमें साइड चेंज हो गया, ये देखिए, है ना, ये साइड चेंज नहीं होना चाहिए था जबकि ये साइड चेंज हो गया है, ठीक है। तो व्हाइट जबकि इस बार इस साइड आएगा ही नहीं, तो ये गलत हो गया। और ये इसको कैसे काट सकते हैं, ये देखिए ये जो है सफ़ेद वाला राइट में हो गया, लेफ्ट में हो गया और नीचे हो गया, नीचे तो वो हो नहीं सकता, वो ऊपर ही होगा, ये गलत हो गया। बचा हमारे पास ए, ठीक है। अब इसको मैं आपको थोड़ा बता के बता दूं, यहाँ पे मैं मिरर लगा लेता हूँ, ये देखिए जैसे ही आप इसको नीचे पलटोगे तो ये व्हाइट वाला ऊपर चले जाएगा, ना? ये व्हाइट वाला ऊपर कहाँ पे है, बस इसी ऑप्शन में था, बाकी तो कट गया, ठीक है। तो ऐसा भी आप एक बार में बना सकते थे। दूसरा ऑप्शन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, जो इमेज दिया गया है एक्स वो ए बी सी डी में कौन सा है, ठीक है, ए बी सी डी में कौन सा है। तो ये देखिए ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर होना चाहिए, तो ये जो हमको दिख रहा है डॉट ये हमेशा इमेज में नीचे होना चाहिए, है ना। जो आपको ऐसे लाइन दिख रही है जहाँ मेरा माउस जा रहा है वो इमेज में उत्तर इमेज में नीचे होना चाहिए, ऊपर होगा तो उसको काट दीजिए, ये ऊपर है इसको हम काट देते हैं, ठीक है। और यदि ये नीचे है तो इसका डायरेक्शन भी कैसे होना चाहिए, तो डायरेक्शन कुछ इस प्रकार हो जाता, सिंपली बात है, यदि यह मैंने इमेज रख लिया, यदि मैंने इस प्रकार से लाइन खींचा है सीधा, एक मिनट है, एक कचाइन हो गया, ठीक है। यदि मैंने ऐसा लाइन खींचा है तो इमेज में कुछ इस प्रकार का दिखेगा, तो ये ऊपर है, सबसे पहले इसको नीचे होना चाहिए और ये इस प्रकार से होना चाहिए, तो ये कहाँ पे है ये देखिए यहाँ, बाकी ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, मेरा डी सही है। अगला प्रश्न है, अब इसका उत्तर बताइए कि क्या होगा, हमारा जो ये तीर का निशान है ना, जो रेक्टेंगल है वो नीचे होना चाहिए, तो रेक्टेंगल किस में नीचे है,
इन दोनों में नीचे है, बाकी में ऊपर है, तो ये काट दीजिए ऊपर वाला, क्योंकि ऊपर है तो वो नीचे होना चाहिए, ठीक है। और यदि वो सही तरीके से भी बनना चाहिए, ठीक है, देखिए यहाँ रेक्टेंगल बनने में कुछ गड़बड़ी हुई है, रेक्टेंगल जब भी नीचे आएगा तो ये जो लंबा वाला है वो ऊपर चला जाएगा और जो नोखी वाला नीचे आ जाएगा, तो नोखी वाला नीचे देखिए ये वाला, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। ये बहुत देखिए मैंने क्या निकाला था इसमें, मैं बाकी सब कुछ नहीं देखा हूँ, बस यस देखा ना। यदि इसको मैं इमेज के नीचे रखता हूँ तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा क्या, देखिए देखिए ये इसी में बना है, ये मैं तो ये सीधा बना दिया, तो ये गलत हो गया। अगला प्रश्न है कि अब इसे बताइए कि इसमें कौन सा सही होगा, 2 मिनट का समय लीजिए और इसको बताइए। चलिए ठीक है, इसको देखते हैं। यदि यहाँ पे हम एक इमेज यहाँ पे आईना लगा दें तो क्या हो जाएगा, ये तीर का निशान जो नीचे है वो ऊपर दिखाई देगा, और ये इस साइड जो भाला है ना, और नीचे देखिए ये कुछ इस प्रकार से ऐसा होना चाहिए, और ये भाला का निशान कुछ इस प्रकार होना चाहिए, जैसे ये इस प्रकार से, ये किस ऑप्शन में है पहले अच्छे से देख के बताइए कि ये किस ऑप्शन में हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए अगर बाय ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये हमारा मैच नहीं कर रहा है, इसको थोड़ा सा ऐसा मोटा बनाइए, ये अब ये हमारा एग्जिस्ट करना शुरू हो जाएगा, ये गलत हो गया क्योंकि सीधा सीधा है ना, तीर ऊपर जाएगा। ठीक है, तीर ऊपर गया, अब इसमें देखिए ये नीचे आ गया, ये गलत हो गया। अब इसको कैसे गलत करेंगे ये देखिएगा, इसमें हमारा 2 ऑप्शन सही दिख रहा था, हम ना किसी एक को गलत करना है और किसी एक को सही करना है, फिर भी एक बार और काट के देखते हैं कि इसमें कौन सा सही हो सकता है। तो सही कैसा होगा ये देखिए, यहाँ पे ये इस प्रकार है ना, ये नीचे है मतलब ये ऊपर होना चाहिए इसको, है ना, तो ये देखिए ये नीचे किस में है और ऊपर किस में, इस ऑप्शन में है, ये वाला गलत, ये सही, ठीक है। ये जो हमारा ऐसा जो निशान बनाया गया है इस प्रकार का हाफ ट्राइंगल, ये नीचे है तो वो इमेज ऑप्शन में ऊपर होना चाहिए, ठीक है ऊपर होना चाहिए, इसमें तो ये नीचे लगा दिया है डी ऑप्शन में, तो ये गलत हो गया, बी सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, ठीक है, लेफ्ट राइट चेंज नहीं होना चाहिए, क्रॉस और रेक्टेंगल है ना, क्रॉस और रेक्टेंगल, इसको मैं बना के बताता हूँ है ना, मैं इसका इमेज बना के बताता हूँ फिर आपको समझ आ जाए। ये डिब्बा ऐसा बनेगा, बीस इसको डिवाइड कर दीजिए, ऊपर आपका ये ऐसा ये 0 वाला रहेगा है ना, यदि ये नीचे भरा है तो ऊपर वाला आपको भरा वाला होना चाहिए इस प्रकार से, ठीक है, और नीचे खाली होना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन है, नीचे खाली होना चाहिए ना, तो ये ऊपर नीचे भरा हुआ है, नीचे इसमें पूरा खाली दिख रहा है, चलिए इसमें हम मान के चलते हैं। अब हम एलिमिनेट करेंगे यहाँ से, तो एक्स अपने इसी साइड रहेगा ना, तो एक्स इस साइड किसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है, बाकी हमने 2 ऑप्शन काट लिया, ठीक है 2 ऑप्शन ए और बी हमने काट दिया, बाकी बचा हमारा ये रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल साइड में है। अब देखिए जब भी हम रेक्टेंगल को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, अंदर में ना ये रेक्टेंगल जैसी पलट कर आएगा, ठीक है, तो ये कुछ जब भी पलट कर आएगा तो ये किसा होगा, ये देखिएगा, ठीक है, जब भी ये पलट कर आएगा तो ये कुछ इस प्रकार से हो, ये किस प्रकार से हो, ठीक है, मतलब जो अंदर डब्बा बना है वो किस किस प्रकार से विकर्ण लेगा। इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन दिख रहा है इस प्रकार से विकर्ण वाला, ये सी दिख रहा है, और जबकि ये वाला ऑप्शन तो ज्यों का त्यों है, ये देखिए ये और ये ज्यों का त्यों हो गया, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये हमारा ये गलत हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, अब देखिए ये थोड़ा टफ वाला है, कैसे बनेगा बना के देखिए। लेफ्ट राइट कभी भी चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है, लेफ्ट राइट है वो कभी भी चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है, तो जब भी इसको हम डाउन करेंगे तो ये डॉट वाला है अपने नीचे आ जाएगा, ठीक है, डॉट वाला कैसे होगा नीचे, ये देखिए तो देखिए ये गलत हो गया है ना, लाइनिंग जो है ऐसे बीच होना चाहिए, ये गलत हो गया,
बाकी ये ऊपर चला गया डॉट वाला, ऊपर इसको जाना नहीं है, वो नीचे आएगा। देखिए ये ऊपर है तो नॉर्मली नीचे आएगा, तो ये गलत हो गया। अब नीचे आएगा तो ये अपना लेफ्ट साइड में ही रहेगा, ये लेफ्ट साइड में है, ये राइट में चला गया, तो ये गलत हो जाएगा। और ये सही, ये बॉल। देखिए अब बॉल जब भी इमेज साइज बनाएंगे तो बॉल कैसे दिखेगा, इमेज जब भी बनाएंगे तो बॉल दिखेगा हमारे इस बी के अनुसार, है ना। डार्क शेडेड एरिया ऊपर रहेगा, इसमें नीचे कर दिया है, ये गलत हो गया, ठीक है। और इसमें जो भी कर्व लिया है, कर्व ये अंदर की तरफ धस रहा है जबकि वो बाहर की तरफ धसना चाहिए, तो ये थोड़ा आपसे ये सही हो गया। अगला अब इसको देख के बताइए कि इसका इमेज वाला ऑप्शन कैसे बनेगा। सबसे पहले ये जो तीर का निशान है वो नीचे आएगा, नीचे आएगा मतलब ये कुछ इस प्रकार का पैटर्न बनाएगा ये, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का पैटर्न बनाएगा, तो इस प्रकार का पैटर्न बनाएगा लेकिन राइट साइड में ही बनाएगा, ठीक है। तो राइट साइड का पैटर्न कहाँ बन रहा है, केवल डी में दिख रहा है, बाकी में तो डी नहीं दिख रहा है ना। इस साइड का पैटर्न जो है जब पलट के आएगा तो ऐसे दिखेगा ये केवल हमको डी में दिख रहा है, तो ये डी सही हो गया, बाकी गलत। अब देखिए ये कैसा होगा ना, तो सबसे पहले हम इससे काटने की कोशिश करते हैं, ये जो हम पलट कर लाएंगे तो ये फिलहाल ऐसा है, पलटेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा, ठीक है। तो जो गोला है वो एक राइट साइड में ऊपर और लेफ्ट में नीचे, ठीक है, तो राइट में ऊपर लेफ्ट में नीचे, राइट में ऊपर लेफ्ट में नीचे, राइट में ऊपर, तो ये तो लेफ्ट में ऊपर हो गया, गलत कर दिए, ठीक है, और ये भी गलत कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास बचा ए और सी, हमारे पास बचा ए और सी, अब हमको इस त्रिभुज के अनुसार काटना है, ठीक है। चलिए इसमें त्रिभुज बना देते हैं, त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बना हुआ है और ये इस प्रकार से बना, तो जब भी ये घूम के आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा ना, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है, तो ये ऊपर वाला इसमें बनेगा, ठीक है, ये ऊपर वाला ऐसे बनेगा और नीचे वाला जो है ये इस प्रकार से बनेगा, तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये देखिए अभी कैसे बनेगा, ठीक है। ये जो एरिया है यदि हम इसको आधे भाग बांटेंगे तो हमारा लेफ्ट साइड होना चाहिए, तो लेफ्ट साइड डार्क होना चाहिए और वो लेफ्ट वाला ऊपर होना चाहिए, इसमें तो दोनों साइड हो गया जबकि दोनों साइड इसमें दिया नहीं है, ठीक है। ये जो डार्क शेडेड एरिया है ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला गया, इसको काट देते हैं, ऊपर जाने के बाद ये लेफ्ट साइड में ही रहेगा, ये राइट में आ गया, तो ये गलत हो गया, बचा हमारे पास बी। अगला अब इस डाइस को बताइए कि ये डाइस कौन सा सही है और किस प्रकार से ये बनेगा, ठीक है, ये डाइस कौन सा सही है और ये किस प्रकार से बनेगा। ये देखिए ये जो तीन है वो हमेशा आपको नीचे दिखना चाहिए, है ना, मैं बताया हूँ कि जो वाटर इमेज होता है वो जो तीन है, जो तीन डॉट देख रहा है, तीन डॉट वो नीचे होना चाहिए, तो नीचे किसमें, तीन डॉट इसमें तो नहीं है, काट दीजिए, इसमें भी नहीं है, इन दोनों में है, या तो बी होगा या फिर डी होगा, ठीक है। चलते हैं अब ये जो छह है ना, जो सिक्स डाइस है वो आपके राइट साइड में ही होने चाहिए, सिक्स डॉट्स है वो राइट साइड में ही होने चाहिए, तो देखिए हमको बी और डी में देखना है, ये राइट साइड में हमको ये दिख गया, यहाँ तो लेफ्ट साइड में आ गया तो ये गलत हो गया, देखिए ये आपका राइट साइड में है और ये लेफ्ट में आ गया तो ये गलत हो गया, बी हमारा सही हो गया। और चलते हैं आज का हमारा लास्ट प्रश्न पर, ठीक है, आज के हमारे लास्ट प्रश्न चलते हैं, ये कैसे बनेगा ये देखिए। तो इसके जितने भी ये जो मुंह बने हैं ये नीचे आ जाएंगे, नीचे आएंगे, ठीक है, नीचे आएंगे, तो ये गलत हो गया, ये एक डार्क शेडेड आ गया जबकि डार्क शेडेड है नहीं, ये गलत हो गया, ठीक है, तो हमने काट दिया ए और बी को। अब सी और डी को देखते हैं, तो सी और डी को कैसे बनाएंगे, लगभग इसमें दोनों गलत हो गया है ना, इसमें चारों गलत हो गया, इसमें नन वाला ऑप्शन आ गया है, नन ऑप्शन, इसमें जो हमने चार ऑप्शन दिए सब गलत हो गया, कैसे गलत हो गया, इसमें देखिए ये बीच वाला काट के देखिए, बीच वाला मैं आपको बना के बता रहा हूँ, ये कुछ इस प्रकार है आपके इमेज में, जब हम इसको नीचे लाएंगे दर्पण के नीचे तो ये जो रेड शेडो है ना, शेडो ऐसे पलट के आएगा और ये तीर का निशान कुछ इस प्रकार बनेगा और ये डार्क शेडो हो जाएगा ऐसा, और ऐसा ऑप्शन हमको कहीं भी नहीं दिख रहा है, देखिए ये दो तो हमने पहले ही काट दिया है, ठीक है, ये ऐसा दिख रहा है लेकिन ये बीच वाला दिख रहा है लेकिन बाकी इस मुंह से कट गया, इस प्रकार से कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है, नन ऑफ दी अदर, ठीक है। तो ये था हमारा आज का प्रश्न, इसके बाद हम पढ़ेंगे इमेज, सॉरी
मिरर इमेज, उसके बाद पड़ेगी एम्बेडेड इमेज। अभी लगभग केवल नॉन नॉन वर्बल रीजनिंग ही करेंगे, ठीक है? तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।